हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। फिजिक्स का पेपर बहुत जल्दी आने वाला है 27 को, तो मैं सबका पहले तो वेलकम करती हूँ ज्ञानसागर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्या करेंगे, तो चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल का अप्रोच देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज की पार्ट वन में हम क्या क्या करने वाले हैं। ओके, तो चैप्टर बाय चैप्टर पहले जाएंगे। पहला ही चैप्टर आता है आपका रोटेशनल डायनामिक्स, उसमें पहला न्यूमेरिकल हमने लिया है जो फेब्रुअरी 22 में ऑलरेडी पूछ के लिया है। लेकिन यहाँ पे क्लियर करना क्या है हमें कि अप्रोच आपको क्लियर होना चाहिए। तो जैसे कि आपने पढ़ाई तो कर ही ली होगी, पूरे साल में इतना पढ़ चुके थे, करेक्ट? तो डेरिवेशन, फॉर्मूले, ये सब कुछ तो आपने किया होगा, अच्छे से फॉर्मूला शीट बनाई होगी। अब लास्ट मोमेंट रिविजन पे आपको यही करना है, फॉर्मूला शीट को रेफर करना है। ठीक है, फिर वो जो कंसेप्ट है वो पहले आपको अप्लाई करते आना चाहिए। तो जैसे ही न्यूमेरिकल आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, उसको पढ़ो, पहले ठीक से समझने की कोशिश करो। अगर आपके दिमाग में पिक्चर आते हैं तो पहले उस पिक्चर को पहले समझो कि किस चीज़ का है ये। अब यहाँ पे तो मैंने कैटेगराइजेशन करके दिया आपको चैप्टर वाइज, बट बोर्ड का पेपर तो वैसा नहीं होने वाला, राइट? वहाँ पे तो आपको लिखते नहीं आएगा कि चैप्टर वाइज है या नहीं है, तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स, तो आपको आइडेंटिफाई क्या करने है, कीवर्ड्स। अब रोटेशनल डायनामिक्स का कीवर्ड क्या है, सबसे पहले तो रोटेशन, यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, ये सब कुछ जो है वो कीवर्ड्स है पहले चैप्टर के अपने। तो आते पहले न्यूमेरिकल पे, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। जैसे आपने पढ़ा होगा कंसेप्ट में, जैसे ही ऑब्जेक्ट का शेप बदल जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी बदल जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सी, अपनी यूनिफॉर्म डिस्क, जिसका मास दिया है 10 kg, रेडियस दिया 60 cm। ये जो है ना बच्चों, ये ठीक से देखो, जानबूझ के बोर्ड ऐसे करेगा कि एक क्वांटिटी का यूनिट आपको एसआई सिस्टम का दिया होगा, दूसरी क्वांटिटी का यूनिट आपको सीजीएस सिस्टम का दिया होगा। तो आपका काम क्या है, दोनों यूनिट एक ही सिस्टम में ला के रख दो। आपको अगर पसंद आते हैं सीजीएस तो सीजीएस में करो, एसआई में आते हैं तो एसआई में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। देखो सेंटर से जा रहा है, तो और एक कीवर्ड क्या है, सेंटर। जैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले देखते हो ना, अगर एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है या फिर एज से पास हो रहा है, उसके हिसाब से भी चेंज होते हैं चीजें, करेक्ट? तो ये डिस्क है आपके पास, एक सेंटर है, यहाँ से एक्सिस पास हो रहा है, राइट? और यहाँ से वो रोटेट हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके हिसाब से आपको निकालना है। तो सबसे पहले, अगर बहुत सारे बच्चे वो न्यूमेरिकल को देख के ही छोड़ते तो ऐसे मत करो, कम से कम गिवन टू फाइंड तो लिखो, उसके आगे भी जाना है। फॉर्मूला अगर याद आता है तो वो भी लिखो, सब्स्टिट्यूशन करो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वो तो आता ही, बचपन से करते आ रहे, करेक्ट? तो सबसे पहले गिवन में क्या क्या आएगा, गिवन में पहली क्वांटिटी है मास, m इक्वल्स 10 kg, करेक्ट? सेकेंड क्वांटिटी है r, रेडियस 60 cm। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, एक सेंटीमीटर मतलब होता है 10^-2 मीटर, करेक्ट? सो 0.6 क्या आएंगे, मीटर। यहाँ पे बस इतना ही चीज गिवन है, दैट्स इट। टू फाइंड में क्या करने वाले हो, कुछ कुछ बच्चे से पूरा लाइन लाइन लिखते हैं, लाइन लाइन लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा लिखना है तो पूरा लिखो, नहीं तो m डॉट i डॉट, अपना फेवरेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका सिंबल होता है कैपिटल i, इक्वल्स क्वेश्चन मार्क, ओके? फिर आते हैं हम फॉर्म्यूला पे। अब फॉर्म्यूला लिखना मैंडेटरी नहीं है, बट लेकिन अगर आपने फॉर्म्यूला ऐसे अलग करके लिखा तो सॉल्यूशन में वापस फॉर्मूला लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये अपना फॉर्मूला क्या आएगा, I इक्वल्स हाफ एम आर स्क्वायर, करेक्ट? अब ये सिंबल का ज्यादा आप टेंशन मत लो, कैपिटल M लिखना है तो कैपिटल M लिखो, कैपिटल R लिखना है तो कैपिटल R लिखो, डजंट मैटर, जो ऑलरेडी आपने स्पेसिफाई किया है। अगर आपको लगता है कि ये ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज है तो यहाँ पे आप मास ब्रैकेट में उसका सिंबल जो आप यूज करने वाले हो वो लिख सकते हो, ठीक है? सिर्फ फॉर्मूला में ठीक से उसको सब्स्टिट्यूट करना है। ये हो गया अपना फॉर्मूला, अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में करना क्या है, डायरेक्टली चीज है जो गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो आई इक्वल्स 1/2, मास कितना गिवन है 10 kg, अब kg को कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि kg होता है SI यूनिट, करेक्ट, मास का, और रेडियस का SI यूनिट होता है मीटर, राइट? सो 10 × 0.6 का है स्क्वायर, राइट? 2 × 5 = 10, बचा 5, 0.6 का स्क्वायर आता है 0.36, सो द आंसर इज 1.80। अब आती बारी यूनिट देने की, बहुत बार बच्चे करते हैं यूनिट को रट लेते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं हमें,
बेसिक यूनिट्स पता है ना हम सबको, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपके सामने आपने ही लिखा है। तो मास का यूनिट हाफ क्या है, नंबर है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो मास का यूनिट होता है केजी, लगा दो केजी। रेडियस जो होता है वो मीटर में, लेकिन रेडियस का क्या है, स्क्वायर, तो मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपके मार्क्स काटने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आंसर आता है अलोंग विद द यूनिट, आपको आंसर कंप्लीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइनल चीज आती है, आपको लिखना है आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा यूनिट यूनिफॉर्म डिस्क का, पूरा एक सेंटेंस लिख के भी आप लिख सकते हो, 1.80 केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे अगर आपको हाईलाइट करना है आपके कैलकुलेशंस, ये भी कर सकते हो। जनरली जो दो दो मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस, वहां पे आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आता है या फिर डायरेक्टली आपको ये ऐसे डिवीजन करना होता है। लॉग वगैरह का इस्तेमाल कहाँ आता है, अगर तीन मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होंगे या फिर चार मार्क का डायरेक्टली सेक्शन डी में आ गया, तो वहां पे लॉग की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब तक तो लॉग की प्रैक्टिस आपने की होगी, लेकिन ऐसे एक दो एग्जांपल्स अभी आने वाले हैं जहां पे मैं बताऊंगी कि लॉग के जगह पे अगर आप रेसिप्रोकल इस्तेमाल करेंगे तो आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा काफी, ठीक है। तो ऐसे करके हम जाते हैं अगले वाले न्यूमेरिकल पे। तो सेकेंड जो न्यूमेरिकल है वो अगेन सेम चैप्टर में से है। यहां पे भी हमें करना क्या है, पहले पढ़ो, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ राउंड डिस्को स्टेज रिवॉल्विंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 30 डिग्री पर सेकेंड, ओके। ये भी ऑलरेडी पूछ के हो गया, डिग्री पर सेकेंड में है, और जो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। तो डिग्री कौन सा यूनिट हुआ, एसआई तो नहीं है, तो आपका काम क्या है, पहले उसको कन्वर्ट करो, ठीक है। सो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, एज यूजुअल गिवन लिखेंगे। सो गिवन में यहाँ पे एक ही चीज है, कौन है, एंगुलर स्पीड, ओमेगा। ओमेगा ये होता है सिंबल एंगुलर स्पीड का, जिसका वैल्यू हमें दिया है 300 डिग्री पर सेकेंड। एक कन्वर्जन आप बचपन से करते आ रहे हो, 1 डिग्री एंगल का इक्वल्स पाई बाय 180 रेडियन, राइट। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, सिर्फ डिग्री को ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि सेकेंड टाइम का ऐसा यूनिट है, तो उसको बिल्कुल भी हाथ लगाना नहीं है। सो 300 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, ये कन्वर्जन आ गया रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। 0 0 यही काट लो, राइट, 3 के टेबल में आता है, सो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, करेक्ट। ऊपर वापस 2 से भी कर सकते हो, 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, सो क्या आएगा अपना आंसर, फाइनली 5π/3 यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। सो ट्राई टू कन्वर्ट इट इन एसआई यूनिट्स। तो आपका और एक काम क्या बनता है कि एक छोटी सी ऐसी लिस्ट बनाओ कन्वर्जन फैक्टर्स की, और जब भी आप पढ़ते हो ना, तो एक वो लिस्ट है ना वो अपडेट करते जाओ। जैसे 1 सेंटीमीटर का कन्वर्जन मीटर में होगा, केजी का ग्राम में होगा, ये सब अपडेट रखो अपने पास, ठीक है, ताकि रिविजन के लिए वो आसान हो जाएगा। तो ये हमारे लिए आ गया। फिर टू फाइंड में हमें करना क्या है, टू फाइंड आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, डायरेक्टली दिया है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है एन इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। फिर आता है फॉर्मूला, करेक्ट, वेरी इजी फॉर्मूला यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, जो आप पढ़ते आए हो, ओमेगा इक्वल्स 2π n, दैट्स इट, करेक्ट। फॉर्मूला लिख लिया, फिर सॉल्यूशन पे हम क्या करेंगे, एज यूजुअल ओमेगा इज इक्वल टू 2π है, लेकिन हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी, करेक्ट, हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला को रीअरेंज करो। कुछ बच्चों का करने का तरीका अलग अलग भी हो सकता है। पहले लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला जो है जो याद आता है वो लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, फिर रीअरेंज करके सॉल्व करते, या फिर फॉर्मूला को ही रीअरेंज करो फिर सब्स्टिट्यूशन करो, कुछ भी चीज फॉलो करो, डजंट मैटर, ओके। सो एन इक्वल्स क्या आएगा, ओमेगा अपॉन 2π, ओमेगा इज ऑलरेडी गिवन टू यू, जो आपने ही कन्वर्ट करके रखा है, 5π/3 डिवाइडेड बाय 2π। ये चीजें थोड़ा ठीक से करो, 5π/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2π, पाई हो गया कैंसल, तो आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करने जाओगे तो फालतू में टाइम चला जाएगा ना। मार्क्स देखो न्यूमेरिकल के, सिर्फ 2 मार्क का न्यूमेरिकल है, कितने टाइम में होना चाहिए, 1 से लेकर 1.5 मिनट के अंदर अंदर ये चीज आपको खत्म करनी है। तो जनरली गीवन में कोई भी चीजें सब्स्टिट्यूट करने मत जाओ, अनलेस इट इज नेसेसरी इन सोल्यूशन, डोंट डू दैट, ओके। सो पाई कट हो गया, 5 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 2 6 5/6 आंसर आएगा 0.8
3333 आएगा रिकरिंग. इसका यूनिट क्या हो गया? हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड. यहाँ पे भी यूनिट हम कैसे निकालेंगे? ओमेगा के ऊपर ही डिपेंड करेगा ना. इसका जो 2 पाई है वो किस में है? रेडियन में है, राइट. ओमेगा किस में है? रेडियन पर सेकेंड में है. रेडियन रेडियन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? पर सेकेंड. पर सेकेंड मतलब सेकेंड इनवर्स, जिसको हम कहते हैं हर्ट्ज. तो ऐसा यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी का? हर्ट्ज. हर बार न्यूमरिकल सॉल्व करने के बाद आपने जो कुछ भी आंसर निकाला है उसको अच्छे से बॉक्स डालना है यूनिट के साथ, और सबसे लास्ट में क्या लिखना है? आंसर. ठीक है, ठीक से आंसर लिखना है. ओके, चलो आगे जाते हैं. अब तक तो समझ में आ गया होगा. आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम अगर आ रहा होगा होगा तो. अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे. इसके जो न्यूमेरिकल्स है बैंकिंग एंगल के हैं, करेक्ट. फिर वो VCM के न्यूमेरिकल्स है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है ना, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 1 मार्क के. क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि MCQ में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, सेक्शन ए में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं. तो वो तो सिर्फ एक ही मार्क के हो गए ना. तो वहाँ पे आपको करना क्या है? सिर्फ फॉर्मूला अच्छे से याद आना चाहिए, चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई करती आनी चाहिए, गिवन वगैरह, करेक्ट. सब्स्टिट्यूशन ठीक से आना चाहिए और मैथ्स करना है, दैट्स इट. और ऑप्शन सामने दिखेगा. बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि वो क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते, करते करते राउंड ऑफ हो जाता है उनका. मत करो चीज़ें राउंड ऑफ. अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, 8 डिजिट का नंबर आ रहा है, तो ही उसको राउंड ऑफ करो मल्टीप्लीकेशन के बाद. अदरवाइज राउंड ऑफ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आंसर जो है वो 4th decimal तक आपको लिखना कंपलसरी है. जैसे अभी थोड़ी देर पहले 5/6 हमारा आया था, तो बहुत लोगों को ये सवाल आ रहा होगा कि 5/6 अगर मैंने लिखा तो चलेगा क्या? बट इट्स बेटर कि 5/6 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखो, ठीक है. एंड यूनिट इज अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. फिर हम जाते हैं चैप्टर 2 पे, जिसमें हम सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. फ्लूइड्स बोले तो एयर होता है, करेक्ट, और लिक्विड भी होता है. फिर रॉड ऑफ लेंथ दिया है हमें 4 सेंटीमीटर, इज मूवेबल ऑन रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर. एक डेरिवेशन हमने किया है, ऐसे सी शेप का फ्रेम लिया जाता है जिसका सब डायमेंशन फिक्स है, उसका जो विड्थ है वो होता है एल, और इसको हम अटैच करते हैं एक आर्म जिसको आप मूव कर सकते हो, और वो जो फिल्म बनी होती है वो जैसे आप मूव करते हो उसके हिसाब से वो मूव भी होती है. ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपका शायद हो चुका होगा, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये न्यूमेरिकल है, ठीक है. सो यहाँ से अगेन मुझे कैसे पता चलेगा कीवर्ड क्या है यहाँ का? रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर और फिल्म. फिल्म कहाँ फॉर्म होगी? सोप सॉल्यूशन में. सोप सॉल्यूशन हमने कहाँ सीखा? फ्लूइड्स में. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट देम. इज फॉर्म्ड इन द फ्रेम, फोर्स ऑफ 3.2×10³ न्यूटन इज अप्लाइड टू द रॉड फॉर इट्स इक्विलिब्रियम. तो फोर्स किसको अप्लाई किया? ऑब्वियसली मूवेबल को, करेक्ट. यहाँ पे आप खींच सकते हो, उसका क्या करेगा? रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट साइड पे होगा. पूछा क्या आपको? सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड. लिक्विड से ही पता चलता है चैप्टर का नाम कौन सा है. चैप्टर का नाम क्लिक हो गया, कंसेप्ट क्लिक हो जाएगा, कंसेप्ट क्लिक हो गया, फॉर्मूला क्लिक हो जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा. अगेन वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज राइटिंग गिवन. लेंथ कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर. अगेन यूनिट्स देखो, फोर्स हम मेजर करते हैं न्यूटन में, राइट, SI यूनिट. लेकिन लेंथ का यूनिट क्या है? CGS. तो आपका जॉब क्या है? कन्वर्ट 0.04 मीटर, करेक्ट. फोर्स कितना है? फोर्स है 3.2×10³ न्यूटन, करेक्ट. टू फाइंड में क्या आएगा? टू फाइंड में आएगा सरफेस टेंशन, जिसका सिंबल होता है T=?. अब जो फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले, जो आप डेफिनेशन में भी पढ़े होंगे, सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, करेक्ट. ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा. फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करने वाले हम, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट आता है. क्या कंसेप्ट है? जो भी फिल्म यहाँ पे फॉर्म होगी उसके जो कॉन्टैक्ट होंगे फ्रेम से, सॉलिड फ्रेम से, वो कितने कॉन्टैक्ट्स होते हैं? 2. तो फिल्म जब फॉर्म होती है तो उसके 2 सरफेसेस होते हैं जो सॉलिड के कॉन्टैक्ट में है. तो फोर्स अगर बना रहा है, आप मूव कर रहे हो, फिर भी फिल्म टूट रही क्या? नहीं. तो फिल्म को पकड़ के रखने के लिए तो फोर्सेस होंगे ना, राइट. तो वही टेंशन एक फोर्स है जो आपको कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे सिंस देयर आर 2 सरफेसेस, आपको करना क्या पड़ेगा? लेंथ जो है उसका 2x कंसिडर करना पड़ेगा, समझे. तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, सिंस
देर आर टू सरफेसेस ऑफ फिल्म विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द फ्रेम. देयरफोर टोटल लेंथ जो होगी वो ट्वाइस होगी गिवन लेंथ से. कितनी है टोटल अपनी गिवन लेंथ 0.04. डेसिमल्स के साथ बी कॉशियस. आपको लगा ना कि मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, मैंने डिवीजन किया तो चलो आगे जाते हैं, यस हो गया मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व, यूनिट भी याद आ गया, वेरी गुड. बट एक सिली मिस्टेक का चांस हो सकता है. क्या हो सकता है, बहुत बार हमें पता होता है 2 2s 4 ही होता है, लेकिन कुछ कुछ बार गड़बड़ हो जाती है ना, जैसे 3 3 3 3 9 होता है, बट बहुत बार वो हम 6 लिख देते हैं, गड़बड़ में हो जाता है ऐसा. ठीक है, टेंशन में हो जाता है. तो आपका काम क्या है, अगर आपने नोट किया कि मेरा मल्टीप्लीकेशन हो गया तो आपका काम है वही के वही उसको चेक करो. 2 2s 4 ही लिखा है ना मैंने, 3 3s 9 ही लिखा है ना मैंने, फिर आगे जाओ. ठीक है, ताकि हम सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर सकें. सो 0.08 ये क्या आ गया हमारा टोटल लेंथ, इसमें आ गया वो मीटर में. ठीक है, अब आप डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हो. टी इक्वल्स क्या है, फोर्स अपॉन यूनिट लेंथ. फोर्स कितना दिया है हमें, 3.2 टाइम्स 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ लेना है. अब हमें टोटल लेंथ है अपना 0.08. मैंने अपने क्लास में नोट किया है भाई, जहाँ पे डेसिमल आते हैं ना, न्यूमरेटर में डेसिमल, डिनोमिनेटर में डेसिमल, बत्तीगुल अपनी. तो एक आसान तरीका क्या है, ठीक है डेसिमल से डरते हो ना तुम, डेसिमल निकाल दो, उसको कन्वर्ट करो पावर में. जब भी एक पॉइंट के बाद अगर डेसिमल है तो मुझे लिखना है 32. और मैंने क्या किया, एक पॉइंट का जो डेसिमल है उसको हटाया ना, एक डिजिट के बाद का डेसिमल है, इसीलिए क्या आएगा 10^-1. जो ओरिजिनल पावर है उसको भूलना नहीं है, 10^-3 आएगा. डिवाइडेड बाय अगेन यहाँ पे मुझे चाहिए 8, लेकिन है क्या 0.08. सो 8 टाइम्स 10^-2. लॉज ऑफ इंडाइसेस बचपन में सब लोग सीखे, तो यहाँ पे वही इस्तेमाल करना है. हर जगह 10 10 10 है, बेस सेम. इंडाइसेस का अगर बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो इंडाइसेस का होता है एडिशन. अगर बेस सेम है और डिविजन हो रहा है तो तब होता है सब्ट्रैक्शन. ये याद कर लो, नहीं तो हम आगे आगे चले जाते हैं, सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी सब रट लेते, लेकिन ये बेसिक्स हमारा जो स्कूल का बेसिक है वो हम भूल जाते. करेक्ट, 8 4s 32 आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, लिख लो. नाउ वेट फॉर पावर ऑफ 10. 10 है ना, बेस तो सेम है ना, तो एक ही बार आएगा राइट. इसका पावर पहले न्यूमरेटर को कंसिडर करो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या हो जाएगा एडिशन, -1 + 3. करेक्ट, अभी बाकी है. डिनोमिनेटर में कौन है, -2 है, नीचे वो -2 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +2. करेक्ट, तो टोटल पावर कितना आया, 4 × 10^3 + 2 = 5. 5 - 1 = 4. सो आंसर क्या आया अपना, 4 × 10^4. अगेन यूनिट क्या होगा इसका, कम टू फॉर्मूला. फोर्स का यूनिट न्यूटन. देखो याद करने की जरूरत ही नहीं है, दिया है उन्होंने, आधे तो यूनिट दिए होते हैं. सिर्फ स्मार्ट बनने की कोशिश करो, न्यूटन है, फॉर्मूला क्या है, फोर्स है, यूनिट न्यूटन लिख दिया, नीचे लेंथ है, लेंथ का क्या होता है मीटर. क्या हो गया इसका, यूनिट न्यूटन पर मीटर, सिंपल. वापस से क्या करना है, आंसर लिखना है, अच्छे से डेकोरेट करो, रांगोळ्या काढायची गरज नाही, फक्त डेकोरेट एक बॉक्स टाकायचा, दॅट्स इट. ओके क्लिअर या तक. चलो आगे जाते हैं हम, ये हो गया अपना सॉल्व. आगे का हम लेंगे कैलकुलेट वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल. हाँ, दो चीजें अपने पास, एक है ड्रॉप, लिक्विड का ड्रॉप, और दूसरा है सोप बबल. अब देखो बबल अगेंस्ट ड्रॉप फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं. ठीक है, एक का आता है 4t/r, दूसरे का आता है 2t/r, तो वो पहले ठीक से हमें देख लेना है. ऑलराइट, तो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है आपको, सोप बबल दिया है, रेडियस जो है उसका वो है 0.1 meter, और सरफेस टेंशन जो है वो आपको ब्रैकेट में दे के रखा है, लेकिन यूनिट जो है वो क्या दिया गया है, 39 per centimeter. अगेन आप बोर्ड ने आपको बोला है कि ये ऐसा यूनिट में हो, लेकिन ये कौन सी यूनिट में है, CGS में. तो क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन. अगेन अपनी जो लिस्ट आप बना रहे हो अभी से बनाना स्टार्ट कर दो, उसको अपडेट करना स्टार्ट कर दो. चलो गिवन में क्या आएगा, रेडियस इज 0.1 meter, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट.
सरफेस टेंशन का सिंबल होता है कैपिटल टी, वो दिया है 39 पर सेंटीमीटर। ये डाइन और न्यूटन का कन्वर्जन हमने किया था स्टैंडर्ड 11th में, और वो हमें बिल्कुल भी याद नहीं, राइट? तो वो अभी पढ़ना पड़ेगा। तो वो जो कन्वर्जन होता है वो है 1 newton equals 10^7 dyne। लिख लो कहीं पे, याद करो, अच्छे से लिखो, करेक्ट? तो हमें करना क्या है, डाइन टू न्यूटन करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, 10^+7 है, उधर जाके क्या होगा, -7। एक ही चीज याद रखो, बाद में आप उसको जहां चाहे वहां, जैसे चाहे वहां खेल सकते हो उसके साथ। तो एक डाइन मतलब कितने न्यूटन हुए, 10^-7। सेंटीमीटर टू मीटर का कन्वर्जन आता है हमें, एक सेंटीमीटर मतलब कितना, 0.01 मीटर, राइट? तो वही हमें करना है, या फिर 10^-2 मीटर, करेक्ट? तो चलो फिर कन्वर्जन यही करो, 30 × डाइन के जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करोगे, 10^-7। डाइन ऊपर है, सेंटीमीटर नीचे, एक सेंटीमीटर मतलब 0.01 मतलब ही होता है 10^-2। देखो 10 के पावर ना हैंडल करना बहुत ज़्यादा इजी है इंस्टेड ऑफ डेसिमल्स, करेक्ट? तो आपको करना क्या है, सिर्फ कैसे उसको कन्वर्ट करना है ना 10 के पावर में, उतना समझना है। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है उसके ऊपर वो डिसाइड होगा। अगर कितने पॉइंट, 2 digits है तो पावर आएगा -2, 7 digits है तो पावर आएगा -7, करेक्ट? डाइन को कन्वर्ट किया हमने न्यूटन में, सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में। बेस सेम अगेन, इंडाइसेस का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, राइट? सो 30 × 10^-2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +2, राइट? तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 30 × 10^-5 विच इज 3 × 10^-4। अब -4 कैसे हो गया, 30 का जो 0 है ना उसको हमने 10 करके कंसिडर किया, 30 कैन बी रिटन एज 3 × 10। 10 है सिर्फ, पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर होता है 1, करेक्ट? सो 1 है, -5 है, 1 - 5 कितना, -4, इसीलिए 3 × 10^-4। यूनिट किस में कन्वर्ट किया, न्यूटन पर मीटर में। और कुछ है क्या गिवन में, कुछ ही नहीं है, चलो हो गया अपना काम। टू फाइंड आउट करना क्या है हमें, वर्क डन फाइंड आउट करना है, वर्क का सिंबल होता है W, करेक्ट? फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे, वो होगा W = TDA, राइट? टी मतलब होता है टेंशन, कौन सा टेंशन, एग्जाम के टाइम पे आता है वो, नहीं वो तो आते ही रहता है, वो होता है सरफेस टेंशन, यहाँ पे आएगा सरफेस टेंशन। और डी ए मतलब क्या है, चेंज इन एरिया, तो एरिया कैसे चेंज होगा, एक तो वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज हो रहा, राइट? तो यहाँ पे आप कर क्या रहे हो, ब्लो कर रहे हो ना सोप बबल को, वो जतरे में क्या होगा ना, सोप बबल फूक मारी होगी अंदर, राइट? तो वो जो सोप बबल है उसको आप ब्लो कर रहे हो तो एरिया तो चेंज होगा, पहले वो क्या था, फिल्म था, सरफेस का फिल्म था, नाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बबल, करेक्ट? क्योंकि आपने ब्लो किया तो सरफेस एरिया उसका चेंज हो गया, करेक्ट? तो वो हमें चीजें करनी है, W को फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो इसीलिए टेंशन तो डायरेक्टली दिया है हमें, लेकिन करना क्या पड़ेगा, DA को हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स खास करके पूछे जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, जहां पे कुछ कुछ पैरामीटर्स आपको अलग से निकाल के लेने हैं और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है? मार्क्स देख लो, उसके हैं तो 2 ही मार्क्स, लेकिन ये करने की जरूरत पड़ेगी, ओके? सो DA के लिए हम क्या करेंगे, DA मतलब होता है चेंज इन एरिया, तो उसके लिए हमें पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया, अगर बबल का हम कर रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ बबल, बबल कैसा होता है, स्फेरिकल, तो स्फीयर का क्या होता है, 4πr², करेक्ट? सब अच्छे से फॉर्मूला लास्ट मोमेंट पे देख के जाओ। इनिशियल अगर होगा, इनिशियल एरिया, इनिशियली बबल था क्या, नहीं, रेडियस बबल ही नहीं तो रेडियस कहाँ से आएगा, तो रेडियस भी हो गया 0, अगर रेडियस 0 तो एरिया भी 0, करेक्ट? फाइनल एरिया में क्या हुआ, इनिशियली कुछ भी नहीं था, फाइनल में आपको अच्छे से एकदम मस्त बबल मिला, और जो बबल है जिसका रेडियस है जो दिया है 0.1 मीटर, करेक्ट? तो उसका एरिया आप निकाल सकते हो 4π 0.1 का स्क्वायर, राइट? 0.1 का पहले स्क्वायर कर लो और उसको लिखो, लेकिन ये एरिया निकालते समय, अगेन बबल है ना, बबल कैसे होगा, स्फेरिकल होगा, उसके अंदर क्या है, एयर, बाहर भी क्या है, एयर,
तो कितने सर्फेसेस एयर के कॉन्टैक्ट में है? अगेन दो सर्फेसेस, एक अंदर का एक बाहर का. तो जो एरिया आप कंसिडर करोगे उसका हमें क्या करना पड़ेगा? ट्वाइस इसका एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी है. आई बात समझ में? इतना. फोर डूजा कितना होगा? 8π.1 का स्क्वायर. ये चीज छोड़ दो, कैलकुलेशन में कर सकते हो, राइट? तो ये हो गया अपना फाइनल एरिया. अब आप चेंज इन एरिया कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे होगा? एरिया जो फाइनल है उसमें से एरिया इनिशियल माइनस करो. आप बोलोगे अरे इनिशियल तो जीरो है ना, फिर उसको लिखने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? चेंज इन एरिया. वो दिखाना जरूरी है, वो स्टेप्स आने जरूरी है. ओके, सो फाइनल कितना है अपना? 8π 0.1 का स्क्वायर माइनस जीरो, राइट? अब यहाँ पे कोई चारा नहीं है, कोई कटवट नहीं होगा, तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा आपको? पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी. अगर 3.14 ले रहे हो 3.14 लो, 3.142 ले रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं वो लो, ठीक है. लेकिन 22/7 मत करो, क्योंकि 7 का टेबल आता है क्या? आता है तो करो भाई, अपने रिस्क पे, ठीक है. सो 8 × 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.01 स्क्वायर कर रहे हो ना. 0.1 कितनी बार आएगा? दो बार आएगा, राइट? तो एनीवेज 1 × 1 तो 1 ही होता है, लेकिन क्या होगा यहाँ पे? 2 आएगा, करेक्ट? 2 डेसिमल, दो डेसिमल के पहले डेसिमल आएगा, दो डिजिट के पहले डेसिमल आएगा, ठीक है. इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो आप कर सकते हो, इसीलिए मैं डायरेक्टली आंसर आपको लिख के दे रही हूँ. वीडियो पॉज करके आप अपना मल्टीप्लीकेशन करके देखो एंड क्रॉस चेक विद द आंसर, ठीक है. ये आ गया अपना DA. अब डायरेक्ट है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. W इक्वल्स क्या है? TDA. ऑलरेडी फॉर्मूला लिख चुके हो आप. टेंशन कितना दिया बोर्ड ने, मतलब यहाँ पे लिक्विड ने? 3 × 10⁻⁴. DA कितना? 0.2514. अगेन यू कैन डू योर मल्टीप्लीकेशन ऑन योर ओन. आई एम राइटिंग द आंसर डायरेक्टली. इट इज 7.542 × 10⁻³ जूल. अब जूल कहाँ से आया? वर्क का यूनिट होता है ना जूल, करेक्ट? वो तो पता ही होना चाहिए. वर्क होता है एनर्जी का, भाई एनर्जी का यूनिट जूल, वर्क का भी यूनिट जूल. ओके, जूल दे रहे हम SI है, क्योंकि हर कोई चीज हमने कन्वर्ट की है SI में, राइट? अगर आप CGS में करते, कुछ लोग CGS सिस्टम अच्छा लगता है, CGS में करते, तो इसका जूल का क्या होता है? अर्ग, ERG. तो आपका होमवर्क है कि आपको पता करना है कि जूल टू अर्ग कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है. ये किया है आपने 11th स्टैंडर्ड में, थोड़ा सा देखो चीज़ें, देखो उसी बहाने आंखों के सामने से जाएगी, करेक्ट? चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे. नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा 4 मार्क का है, थोड़ा सा नहीं पूरा 4 मार्क का है, तो वो बिलोंग करेगा सेक्शन D से. ओके, इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपने एक्सरसाइज में देखे होंगे. पर देखो ये जो है पर्टिकुलरली 8 ड्रॉपलेट्स दिए हमें वाटर के, छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे बेबी ड्रॉपलेट्स, जिसका हर किसी का रेडियस है 0.2 mm. तो mm में रेडियस हो तो आप देख सकते हो कितने छोटे होंगे. कोयलेज इंटू अ सिंगल ड्रॉप. कोयलेज का मतलब क्या है? ये आठों के आठों इकट्ठा आ रहे हैं और एक सिंगल ड्रॉप बना रहे हैं. ये अपना सिचुएशन है. अपने हमें करना क्या है? फाइंड द डिक्रीज इन सरफेस एरिया. सरफेस एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि 8 थे ना पहले, 8 का बन गया 1, करेक्ट? तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है. यहाँ पे हमें करना क्या है? तो ज्योमेट्री का आपको नॉलेज यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा. जो भी दिया है ना, पहले उसको ड्रॉ करके देखो एक साइड में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका बन रहा है एक पूरा ड्रॉ, करेक्ट? उसके बाद आप क्या कर सकते हो? गिवन लिखो. गिवन में क्या है? जो ड्रॉपलेट है उसका रेडियस है स्मॉलर. देखो ड्रॉपलेट छोटे है, ड्रॉप बड़ा है, इसीलिए छोटे के लिए हम छोटे लेटर्स, स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल करेंगे, बड़े के लिए बड़े लेटर्स, कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करेंगे. कीप इट क्लियर, करेक्ट? अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, R इज रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट्स, करेक्ट? कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अ ड्रॉप, राइट? स्मॉल R आपको दिया है, कैपिटल R का कोई आता पता नहीं है, 0.2 mm है. अगेन वन मोर कन्वर्जन, मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर मतलब क्या करोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻³ से, करेक्ट? ऐसे हमने कन्वर्ट कर लिया उसको मीटर में. ये चीज हो गया खत्म. और कुछ गिवन है क्या? कुछ भी नहीं, बस उतना ही दिया है. फाइंड आउट करना क्या है हमें? टू फाइंड में आएगा डिक्रीज इन सरफेस एरिया. तो वही होता है आपका DA इक्वल्स क्वेश्चन मार्क, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा उसको, करेक्ट? तो चेंज है ना, चेंज कैसे हो सकता है? इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. यहाँ पे बोला क्या है?
डिक्रीज हो रहा है, राइट। डिक्रीज का मतलब क्या है कि जो इनिशियल एरिया है उससे फाइनल एरिया का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, करेक्ट। तो ये हुआ इनिशियल एरिया, ये हुआ फाइनल एरिया। तो जब भी आप चेंज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि कम हो रहा है ना इसीलिए, ठीक है। फिर हम आते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, एक तो डी ए इक्वल्स ए इनिशियल माइनस ए फाइनल। बहुत बार ना दो फॉर्मूले होते हैं, तीन होते हैं, मल्टीपल फॉर्मूले होते हैं, तो अगर आपको याद आ रहे उसको लिखना यहाँ पे तो आप लिखो, नहीं याद आ रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन में सॉल्व करते करते भी आप उसको लिख सकते हो, ओके। और एक फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, एरिया का फॉर्मूला। किसका एरिया निकाल रहे हो आप, ड्रॉप है। ड्रॉप कैसा होता है, स्फेरिकल, स्फीयर का एरिया होता है 4πr2। कैपिटल आर हमने रखा है ड्रॉप के लिए, स्मॉल आर रखा है हमने ड्रॉपलेट के लिए, ठीक है। चलो अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। अच्छा मैं ये ऐसे सॉल्यूशन अभी लिख रही हूँ, आपका काम है उसको पूरा लिखना। कोई भी शॉर्टकट्स, व्हाट्सएप लैंग्वेज इज नॉट अलाउड इन बोर्ड्स पेपर, ओके, मत ही इस्तेमाल करना। फिर हम करते हैं पहले सबसे पहली चीज़ हमने करनी है कि वो हम करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, पहला पर्पज़ है वॉल्यूम निकालने का वो है कैपिटल आर, क्योंकि हमें वो पता ही नहीं है। दूसरा पर्पज़ है वॉल्यूम निकालने का, कॉन्सेप्ट देखो, 8 ड्रॉपलेट है, अगर एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय क्या कर रहे हैं हम, 8, आपको क्या बना के दे रहा है, एक पूरा का पूरा सिंगल ड्रॉप, करेक्ट। तो वॉल्यूम कहाँ गया क्या, बिल्कुल भी नहीं। जितना इन आठों का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, एक सिंगल ड्रॉप का होगा, एज सिंपल एज दैट। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप, करेक्ट। तो सिंगल ड्रॉप के लिए हम इस्तेमाल करने वाले कैपिटल आर, सो वो होगा, अब वॉल्यूम पे आ रहे हैं 4π3πr³। डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम, ऑलराइट। सिमिलरली क्या कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट्स, राइट, वो क्या होंगे 4π3πr³, ठीक है। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे स्मॉल r। तो ये वॉल्यूम हमने लिख लिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला कि जो भी वॉल्यूम होगा किसका, बड़े ड्रॉप का, वो कितना बनेगा, जितने नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स है। तो एक गिवन में एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो क्या, स्मॉल n, व्हाट इज स्मॉल n, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, करेक्ट। कितने दिए नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हमें, 8। और एक चीज़ आपकी गिवन में आ गई, ताकि सॉल्यूशन लिखते समय गिवन को बार बार रिविजिट करो, ताकि समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हम उसमें से यूज़ करके आगे जा सकते हैं। अगर आपको फ्लो चाहिए सॉल्यूशन लिखते समय, फ्लो एस्टेब्लिश करना है, तो एक ही चीज़ है, बार बार अगर स्टक हो गए, बीच में कुछ सूझ नहीं रहा है क्या करना है इसके आगे, जाके वापस से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैंने आंसर कितना लिखा है वापस से उसको देखो और फिर आगे जाओ, शायद लिंक लग जाएगा, ओके। एन टाइम्स क्या करना है मुझे, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट्स, करेक्ट। अब एन जो है इसका वॉल्यूम कितना हमने लिखा, फॉर्मूला 4π3πr³, एन की वैल्यू कितनी है, 8, टाइम्स अगेन 4π3πr³। कॉमन फैक्टर्स है यही कि यही कट हो जाएंगे, सिंपल, 4 बाय 3 गया, पाई गया, पाई भी गया, राइट। एक रिलेशन मिला हमें, क्या है वो रिलेशन, r³ = 8r³। देखो 8 जो है वो किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब है ना, राइट। तो अगर मैंने क्यूब रूट लिया तो क्या मिलेगा मुझे, इसका क्यूब रूट लेके सिर्फ r आएगा, 2 का क्यूब रूट होगा 2 और स्मॉल r। तो रेडियस का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे हमने लिया है, रेडियस ऑफ ड्रॉप इक्वल्स ट्वाइस दैट ऑफ रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, ठीक है। यही रिलेशन हमें आगे फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करना है, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो स्मॉल r की वैल्यू। स्मॉल r कितना दिया आपको, 0.2 × 10⁻³, 2 होता है 4.4 × 10⁻³। रेडियस का जो यूनिट है वो क्या आएगा, मीटर अगेन, राइट। तो जनरली अगर आपके पास ऑलरेडी 10 की पावर है तो आप क्या नहीं करना है, आपको डेसिमल जो है उसको निकाल लेना है और 10 के पावर में कन्वर्ट करना है, राइट। सो 0.4 है, 0.4 को कैसे लिखा जाएगा, 4 × 10⁻¹, करेक्ट। तो वो माइनस वन है, वो माइनस थ्री में आएगा, 4 × 10⁻¹⁴, समझ में आ रहा है बच्चों। 0.4 है, 0.4 को कैसे लिखेंगे, 4 × 10⁻¹⁹, माइनस वन, माइनस थ्री,
कितना आ गया -4। ओके, सो ये हो गया अपना कैपिटल आर, उतना हमने निकाल के रख दिया है। फिर अब आते हम एरिया पे। क्यों एरिया पे? क्योंकि टू पॉइंट पे आओ वापस। टू पॉइंट पे क्या है? टू पॉइंट पे हमें डी ए है, जो चेंज इन एरिया है, राइट? फाइनल एरिया, इनिशियल एरिया, ये सब चीजें हमें करनी पड़ेगी। अभी हम करेंगे एरिया इनिशियल कैलकुलेट, जो है अपने ड्रॉपलेट, करेक्ट? नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हमने लिया एन टाइम्स 4πr², तो ड्रॉपलेट कितने, उसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 4πr² वैसे का वैसे ही रखो फिलहाल। 8 4 जा होते 32πr², कम से कम सब्स्टिट्यूशन हमें करने हैं, याद रखना, ठीक है? उसके बाद आएगा एरिया फाइनल। फाइनल में बना क्या, एक सिंगल पूरा का पूरा ड्रॉप बन गया ना, तो फाइनल में क्या आएगा 4πr², बड़ा आर लेंगे हम बड़े वाले ड्रॉप के लिए, करेक्ट? अब हम डायरेक्टली आ सकते हैं डी ए, हमारा जो है वो है एरिया इनिशियल। क्यों इनिशियल? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना, इसीलिए इनिशियल माइनस एरिया फाइनल, राइट? जो भी फॉर्मूला हमने ऊपर लिख के रखा है वो पहले सब्स्टिट्यूट करो, 4πr² माइनस 4πr², करेक्ट? यहाँ पे 4 क्या हो गया, 8 टाइम्स हो गया, इसलिए 32, करेक्ट? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन निकालो, 4π तो कॉमन है ही, राइट? कॉमन निकालने के बाद इधर क्या आएगा, 8r² माइनस r², करेक्ट? इतना क्लियर है सबको? अब हम क्या करेंगे डायरेक्टली, अब देखो कैपिटल आर भी हमने निकाल के रखा है, स्मॉल आर भी हमने निकाल के रखा है, तो वहाँ पे डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट अप कर सकते हो। 4 × 3.142 8 है मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर की वैल्यू है 2 × 10⁻⁴ पूरे का हम लेंगे स्क्वायर, माइनस पूरा अपना कैपिटल आर है 4 × 10⁻⁴ उसका क्या है स्क्वायर, करेक्ट? अब ये ऐसे कैलकुलेशंस आते हैं ना तो हमारा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। एक तो हम गिव अप करते, भाग जाते इधर से, जाने दे यार आधा मार्क्स तो हो ही जाएगा, कम क्यों, लो एम इज क्राइम, करेक्ट? लो मत रखो एम अपना, आगे जाओ कोशिश तो करो। देखो मल्टीप्लीकेशन तो आता है ना, यहाँ पे तो कर सकते हो, राइट? सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, वो पहले कर लो। वो आता है 12.568 करके देखो, यही आ रहा है क्या? फिर अंदर जाओ, 8 को पहले वैसे के वैसे रखो, बॉडमास किया है बचपन में सबने, राइट? ब्रैकेट जब भी दिखती है पहले उसको सॉल्व करो, ब्रैकेट का स्क्वायर है, ब्रैकेट का स्क्वायर यानी कि ब्रैकेट के अंदर हर कोई नंबर का स्क्वायर, करेक्ट? सो 2 का स्क्वायर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो 4। अब लॉज ऑफ इंडाइसेस में पावर है, 10 के पावर का आप स्क्वायर कर रहे हो, तो वहां पे क्या करना है हमें, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है, करेक्ट? ब्रैकेट के ऊपर क्या है, 2 है, यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, -4 है, तो -4 × क्या करना पड़ेगा मुझे, 2, करेक्ट? -4 × 2 कितना हो गया, -8, तो यहाँ पे पावर आ गई -8, समझे? देखो नंबर होगा सिर्फ तो डायरेक्टली स्क्वायर करो, 10 की पावर है तो पावर को स्क्वायर के नंबर से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। फिर आते हम आगे, 4 का स्क्वायर आएगा 16 टाइम्स अगेन 4 -4 × 2 -8, राइट? 12.568 ये हो गया, 8 4 जा होता है 32 × 10⁻⁸ -16 × 10⁻⁸। चीज़ें सेम दिखती है तो क्या प्रॉब्लम है कॉमन निकालने में, निकालो ना, टाइम किसके लिए रख रहे हो, करेक्ट? तो यहाँ पे 10⁻⁸, यहाँ पे 10⁻⁸, लेके आओ उसको बाहर, क्या बचता है अंदर, 32 - 16, 32 में से 16 मैंने माइनस किए, कितने बचते हैं, 12.568 × 10⁻⁸ × 16। अब देखो सडनली मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब 16 का टेबल हमें नहीं आता लेकिन मल्टीप्लाई तो करने आता है ना, बचपन में तो किए होंगे। क्या करो, डेसिमल हटा दो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लीकेशन जैसे ही आपका पूरा हो जाएगा बाद में करना क्या है, जो भी आंसर होगा उसको डेसिमल देना है। देखो 16 में कोई डेसिमल है क्या, नहीं, यहाँ पे डेसिमल है क्या, है, कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट रखा है, हमने कैसे काउंट करोगे, लास्ट में से काउंट करते हैं हम 1 2 3, राइट? सो जो भी आंसर आएगा उसको लास्ट में से 3 गिनो, वहाँ पे डेसिमल रख दो, बात खत्म, राइट? तो उसका आंसर आता है 201.088। आप करने वाले हो मल्टीप्लीकेशन बिफोर यू गो अहेड, राइट?
और उसके बाद अगर आपको रखना है, आप इतना ही आंसर रखना है तो रख सकते हो। किस चीज का आंसर निकाला, इतना इक्वल टू हो जाता है, कभी अगले पेज फिर पिछला पेज, ऐसा हो जाता है, राइट? तो बाद में एक क्वेश्चन खुद को पूछो कि मैं कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ, राइट? क्या कर रहे हैं हम? डी ए कैलकुलेट कर रहे हैं। वट इज डी ए? चेंज इन एरिया। तो एरिया माइनस एरिया किया ना हमने, राइट? तो एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, करेक्ट? एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका भी यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। खत्म, सब्ट्रैक्शन ही किया ना हमने, इतना रखा आंसर तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे अगर। लेकिन कुछ कुछ लोगों का वो डेसिमल देखते उनको ना ऐसे तकलीफ होती, नहीं यार सिर्फ एक ही पॉइंट के बाद डेसिमल चाहिए मुझे, तो मैं करूंगा या करूंगी शिफ्ट, यहां से डेसिमल मुझे हिलाना है यहाँ पे। कितने डिजिट के पहले हम लेके आ रहे हैं उसको? दो ना, दो के बाद सरकार है, सो 2.0108, बस चार ही डेसिमल लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ओके? सो अगर मैंने यहाँ पे लेके आई मैं, तो क्या हो जाएगा? 10^10 हो जाएगा -6। दो से अगर डेसिमल लेफ्ट की साइड पे आ रहा है तो पावर जो है वो पॉजिटिव साइड से बढ़ती जाएगी, करेक्ट? क्योंकि यहाँ से हमने दो क्या किया, इस्तेमाल किए हैं शिफ्ट करने के लिए, राइट? तो उसका आंसर आ गया मीटर स्क्वायर। तो ये होगा अपना आंसर, उसको बॉक्स वॉक्स डालो, वापस से आंसर ठीक से लिखो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर में आने की ज़्यादा संभावना है। पॉसिबिलिटी और क्या है कि यहाँ तो सिर्फ ठीक है डिक्रीज इन सरफेस एरिया पूछा है, उसके जगह पे आपको ये एरिया कैलकुलेट करने के बाद सरफेस टेंशन भी पूछा जा सकता है, समझे? सरफेस एनर्जी दी जाएगी, वर्क डन दिया जाएगा, सरफेस टेंशन पूछा जाएगा। W इज इक्वल टू टी डी ए, करेक्ट? टी इक्वल्स W अपॉन डी ए, दिया हुआ W और ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन करो एंड कैलकुलेट सरफेस टेंशन, और अदर वे राउंड, वर्क डन पूछा जाएगा, टेंशन दिया जाएगा जो हमेशा दिया जाता है, राइट? तो वर्क डन जो होता है वो सरफेस एनर्जी ही होती है। अगर आप गूगली डाली बोर्ड ने कि कैलकुलेट सरफेस एनर्जी एंड राइट इट इन जूल, तो वो भी आपको करते आना चाहिए, बिकॉज वर्क डन बाय द सरफेस फिल्म इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। मतलब क्या हुआ, जो वर्क डन आपने निकाला वही क्या है? सरफेस एनर्जी। लेकिन ये लिखना जरूरी है, करेक्ट? ये सेंटेंस जो मैंने बोला वो, और उसके बाद देयरफॉर सरफेस एनर्जी इक्वल्स वट एवर वैल्यू यू आर गेटिंग फॉर वर्क। तो ये पॉसिबिलिटी मैं बता रही हूँ, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो हम आगे जाएंगे, तो यहाँ पे हम चैप्टर 2 खत्म करते हैं, अब आते हैं चैप्टर 3 पे। जनरली एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल अगर आप करोगे तो काफ़ी फायदा आपको हो सकता है। जैसे ये एग्जाम्पल अगर आप पढ़ोगे तो ये एज इट इज पेज नंबर 72 पे जाके देखो फिजिक्स के टेक्स्ट बुक के, एज इट इज वैसे का वैसा उठाया है, ठीक है? तो सॉल्व एग्जाम्पल करने के लिए आपके पास अभी भी टाइम है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन में आप पक्के हो, तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देखनी है, एक एग्जाम्पल जो है वो कैसे पूछे वो देखना है, तो आपका अप्रोच क्या होने वाला है वो देखना है, दो चार चीज़ें प्रैक्टिस करके देखो। बहुत बड़े बड़े सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े पूछे भी नहीं जाते, जो छोटे छोटे हैं ना उनके ऊपर फोकस करो, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल के 50% मार्क्स आपके छूट सकते हैं वहाँ पे। चलो आते हैं इस न्यूमेरिकल पे। तो दिया है हमें कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ मेटल सरफेस एट 827 डिग्री सेल्सियस विद द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सेम सरफेस, सेम रखा है, एट 427 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अलग अलग है क्योंकि हीट जो प्रोवाइड की है हमने मेटल स्फीयर को वो अलग अलग है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 27 डिग्री सेल्सियस, बहुत बार ये दिया ही नहीं जाता, ये जो पॉइंट है अपना रूम टेम्परेचर वो दिया नहीं जाता, लेकिन पता लगा सकते हो आप, जनरली 27 डिग्री सेल्सियस कंसिडर किया जाता है, करेक्ट? तो ये एक वैल्यू जो है वो थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो। प्रैक्टिकल्स किए आपने वहाँ पे, बहुत बार रूम टेम्परेचर की वैल्यू लिखी होगी, करेक्ट? विंटर में अगर कर रहे हो तो 25 डिग्री सेल्सियस जनरली लिया जाता है, यहाँ पे 27 जनरली, ठीक है? तो पहले गिवन लिखा जाएगा, गिवन में दो टेम्परेचर्स हैं, तो T1 है और T2 है, और जो अपना स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर उसको हम कंसिडर करेंगे T0, ओके? T1 मुझे दिया है 827 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोचोगे T1 किसको करना है कंसिडर, T2 किसको करना है, सीक्वेंस से जाओ पढ़ो ठीक से क्या हो रहा है। कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ मेटल स्फीयर, जो पहले कहा था 827 डिग्री सेल्सियस पे था, करेक्ट? विद द रेट ऑफ लॉस ऑफ फ्रॉम द सेम एट 427 डिग्री सेल्सियस। एक मेटल स्फीयर है उसका हीट जो है वो लॉस हो रहा है,
करेक्ट, लॉस होगा हीट, तो टेम्परेचर कम हो गया ज्यादा, कम ना, तो पहले शुरुआत में जो भी उसका टेम्परेचर था वो था 827 डिग्री सेल्सियस, बाद में वो हो गया 427 डिग्री सेल्सियस, हीट लॉस हो रहा है, समझे? तो आपको पूछा क्या है, आपको कंपेयर करना है ये दोनों चीज़ों का। कंपेयर करना मतलब जनरली होता क्या, आपको रेशो निकालना होता है, ओके? कंपेयर का मतलब क्या होता है, आपको करना क्या है, रेशो निकालना है, ओके? कीप इन माइंड, T1 लिख लिया हमने, T2 लिख लिया 427 डिग्री सेल्सियस, T0 जो है अपना 27 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इट, इतना ही गिवन है। अब टू फाइंड पे आते हैं, टू फाइंड पे हमें करना है कंपेयर, क्या कंपेयर करना है, रेट, रेशो ऑफ रेट ऑफ हीट लॉस, करेक्ट? सो जो हीट लॉस है अपना वो हम क्या कैसे दिखाएंगे, R1 S2 R2, ऐसे आप दिखा सकते हो, R फॉर रेट, रेट किसका है, लॉस ऑफ हीट का रेट है, राइट? तो R1 S2 R2, इसको डिफाइन करना है तो डिफाइन भी कर सकते हो, रेशो ऑफ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, करेक्ट? वो सिग्मा वाला जो फॉर्मूला होता है, स्टीफन्स कांस्टेंट वाला, वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। R मतलब होगा रेट, रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जनरली रेट इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, DQ/dt, राइट? उसका इक्वेशन है E σa T^4 - T0^4, टेम्परेचर का फोर्थ पावर लिया जाता है स्टीफन्स लॉ में, राइट? ई मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन या एमिसिविटी, सिग्मा होता है स्टीफन्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके बिगिनिंग में दिया जाता है, ए होता है एरिया, जो भी मेटल स्फीयर ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका एरिया, टेम्परेचर टी, T1 T2 में से हम लेंगे, T0 मतलब होगा रूम टेम्परेचर, ओके? इतना क्लियर है, फॉर्मूला हो गया अपना, फिर हम आगे जाएंगे। अब आते डायरेक्टली सॉल्यूशन पे, ओके? तो सॉल्यूशन के लिए दो है ना स्फीयर्स हमारे पास, T1 T2, दो टेम्परेचर, तो रेट्स भी कितने होंगे, दो, R1 मतलब क्या हो गया, DQ/dt और उसका 1, जो भी फॉर्मूला है, जो कांस्टेंट्स होते हैं उसको हम बिल्कुल भी कोई भी 1 या 2 नहीं लगाएंगे, 1 या 2 किसको लगाएंगे, सिर्फ टेम्परेचर्स को, ओके? 1 और 2 किसको लगाएंगे, सिर्फ टेम्परेचर्स को, क्यों ऐसा, क्योंकि जो रेट ऑफ हीट लॉस है वो किसके ऊपर डिपेंड है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ लॉ ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो R2 = DQ/dt (2E σa T^1^4 T0^4, आप बोलोगे इतना बड़ा फॉर्मूला रटना है मुझे, ऐसा कैसा होगा, राइट? तो रटना है तो भाई रटना तो पड़ेगा, राइट? तो कुछ ना कुछ तो चीजें क्या है उसमें, ई है, सिग्मा है और एरिया है और टेम्परेचर का डिफरेंस है। अब आपको इसकी वैल्यूज का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ टेम्परेचर दिया आपको, डायरेक्टली रेशो ले सकते हो ना, रेशो मतलब क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना है, R1/R2, बात खत्म। देखो सब कुछ तो सेम ही है, ई ऊपर है, सिग्मा है, ए है, T^1^4 T0^4 डिवाइडेड बाय E σa, करेक्ट? यहाँ पे T2 होना चाहिए था, गलती से T1 हो गया, T0^4, करेक्ट? ई कैंसल, सिग्मा कैंसल, ए कैंसल, T1 पता है, T0 पता है, जो पता है सब्सटीट्यूट करो डायरेक्टली, 1100^4, करेक्ट? अब आप बोलोगे ये 1100 आया कहाँ से, डिग्री सेल्सियस में दिया था, कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा हमें, यस, केल्विन में, राइट? सो केल्विन में पहले उसको कन्वर्ट करना है, पहला टेम्परेचर हमारा था 827 प्लस क्या कौन सा फैक्टर आएगा, 273, उसका आंसर आता है 1100 केल्विन, फिर नेक्स्ट टेम्परेचर है अपना 427 प्लस 273, उसका आंसर आता है 700 केल्विन, और जो 27 डिग्री सेल्सियस होते हैं वो केल्विन में कितने होते हैं, 300 केल्विन, ओके? बात खत्म, जो वैल्यूज है सब्सटीट्यूट करनी है, -300^4 डिवाइडेड बाय 700^4 -300^4, 1100 के लिए अब देखो फोर्थ पावर करनी है, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करते नहीं बैठना है हमें, करेक्ट? आसान तरीका क्या है, 2 जीरोज है वहां पे, उसको उसका फायदा उठाओ, थोड़ा मैथ्स इस्तेमाल करो, 1100 कैन बी रिटन एज 11 × 10^2। अब ये पावर 2 कहां से आया, 2 जीरोज है इसीलिए पावर 2, राइट? टू द पावर क्या है, 4, समझ में आ रहा है चीजें?
सेम चीज आप क्या करोगे, 3 को लिखोगे 10 to the power 2, नीचे भी वही चीज होगा, 7 times 10 to the power 2 raised to 4 minus 3 into 10 to the power 2 raised to 4, करेक्ट। अब आप कॉमन चीजें निकाल सकते हो 10 to the power 2 जो हर जगह आपको दिख रहा है। अगेन लॉज ऑफ इंडाइसिस है, यहाँ पे चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, जो भी फैक्टर है यहाँ पे वो हर किसी को दे दो, करेक्ट, और चीजों को कॉमन निकालो, एज सिंपल एज दैट। यही पे मैं आपको दिखाती हूँ करके। देखिए अब जो है 11 का क्या है, रेस टू 4 एज इट इज रहेगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगी 10 to the power 2 raised to 4। क्या किया, जो भी टोटल पावर था ब्रैकेट के ऊपर वो मैंने 11 को भी दे दिया और 10 टू द पावर 2 को भी दे दिया, बात खत्म। माइनस 3, अरे यहाँ पे स्क्वायर हो गया ना, रेस टू 4 होना चाहिए, 4 into 10 to the power 2 raised to 4 डिवाइडेड बाय 7 क्या है, रेस टू 4 into 10 to the power 2 raised to 4 minus 3 raised to 4 times 10 to the power 2 raised to 4, करेक्ट। चीजें जनरली जब सेम होती है अक्रॉस माइनस साइन उनको कॉमन ले लो, 11 raised to 4 minus 3 raised to 4 एक ब्रैकेट में डालो, कॉमन होगा 10 to the power 2 raised to 4 डिवाइडेड बाय 7 raised to 4 minus 3 raised to 4, उसको ब्रैकेट में डालो 10 to the power 2 raised to 4, कॉमन निकाली ना चीजें, ऊपर भी सेम नीचे ही सेम, काट डालो उसको। फिर उसके बाद क्या करोगे, फोर्थ पावर निकालनी है। आप अगर प्रिफर कर सकते हो मल्टीप्लाई करना, 11 का स्क्वायर अगर याद आ रहा होगा 121 121, दो बार मल्टीप्लाई करो, या फिर लॉग इस्तेमाल करना है लॉग भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसका मल्टीप्लीकेशन होने के बाद आपको मिलता है 14641, चेक करो एक बार, राइट। उसके बाद 3 का फोर्थ पावर आता है 81, ये तो एक ही बार करना है। फिर आता है नीचे 2401 minus 81, सब्ट्रैक्शन ध्यान से करना, दो बार चेक कर लेना। फिर आंसर आता है हमें 182 डिवाइडेड बाय 29, आगे ये नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। सो व्हाट्स योर रेशियो, R1:R2 इज 182:29। सो कुछ न्यूमेरिकल्स ना ऐसे कम, ये जो है कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा होंगे उसमें, ठीक है। जनरली ऐसे न्यूमेरिकल 2 या 3 मार्क्स के लिए आएंगे, बट फिर भी आपके पास ऑप्शन है। इनकेस फॉर्मूला अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये कहीं तो गलत जा रहा है, कहीं तो गलत जा रहा है, तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। सो इट्स योर कॉल विच यू नीड टू टेक ऑन द टाइम, एट द टाइम ऑफ एग्जाम, ओके। तो ये हो गया अपना, फिर आंसर ठीक से लिखो एज यूजुअल, ठीक है। चलो आते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे ऊपर। अब दिया है हमें डिफरेंस बिटवीन 2 molar स्पेसिफिकेट, स्पेसिफिक हीट जो है ना वो काफी फेवरेट क्वेश्चन है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन, सीपी और सीवी के बीच का रिलेशन, ओके। तो वो आपको एक तो डिराइव करने पूछा जाएगा या फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, ओके। तो अभी जो हमें दिया है न्यूमेरिकल, चलो वो सॉल्व करने की कोशिश करते ताकि वो रिलेशन जो है वो भी हमें याद आ जाएगा, ओके। तो डिफरेंस बिटवीन 2 molar स्पेसिफिक हीट्स, डिफरेंस का मतलब क्या है, दो चीजें आपने ली और उसको माइनस कर दिया, दो ही मोलर स्पेसिफिक हीट है, एक है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दूसरी है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, राइट, सीपी माइनस सीवी। तो डिफरेंस दिया है मतलब क्या क्वांटिटी गिवन है, सीपी माइनस सीवी कितना है, 9000 joule per kg kelvin, करेक्ट। केल्विन नीचे है मतलब केल्विन रेस टू क्या है, -1, ओके। फिर आपको दिया है रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिकेट्स, रेशियो का मतलब क्या होता है, समथिंग अपॉन समथिंग, सीपी अपॉन सीवी कितना है, 1.5। देखो सेम ही क्वांटिटी हम रेशियो ले रहे हैं ना, तो इसीलिए रेशियो को कोई भी यूनिट नहीं होता, बस ये दो ही चीजें आपको इस्तेमाल करनी है और आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट 2 molar स्पेसिफिक हिट्स, मतलब 2 फाइंड में क्या जाएगा, सीपी इक्वल्स क्वेश्चन मार्क एंड सीवी इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे वो एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, मेयर्स रिलेशन, जिसका क्या है फॉर्मूला, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स आर, करेक्ट। एंड गामा जो होता है वो होता है सीपी अपॉन सीवी, रेशो है ना, एडियाबेटिक रेशो याद आ रहा होगा। तो
अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, गामा से शुरुआत करो। गामा क्या है अपना, सीपी अपॉन सीवी। सीपी पता नहीं है लेकिन गामा की वैल्यू हमें दी है 1.5। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, देखो ये एक इक्वेशन है हमारे पास और ये एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्यूशन कैन बी फाउंड आउट, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सीपी इक्वल्स 1.5 टाइम्स सीवी, ऐसे लिखा जा सकता है, राइट। ऑलरेडी आपको डिफरेंस दिया गया है तो वो डिफरेंस उठाओ, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स 9000। कैलकुलेशन करते समय यूनिट नहीं लिखे तो भी चलेगा लेकिन यूनिट का ट्रैक रखो। सीपी की वैल्यू क्या है, 1.5 टाइम्स सीवी, करो सब्स्टिट्यूट, शर्माना क्या है, राइट। 9000 लिख दिया इधर, अब देखो दोनों जगह सीवी है, दिखा चीजें सेम निकालो कॉमन। 1.5 यहाँ रखा, यहाँ पे माइनस वन कुछ नहीं है कोएफिशिएंट, इसीलिए होगा 1, सीवी बाहर आएगा, यहाँ पे आएगा 9000, करेक्ट। डेढ़ है, 1.5 में से 1 माइनस करो कितना बचेगा 0.5, सीवी इक्वल्स 9000, करेक्ट। देयरफॉर सीवी रीअरेंज करोगे तो 9000 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक से लिखना है आपको, एक के नीचे एक के नीचे एक, कंजूसी मत करो, सप्लीमेंट्स लगाने लगाओ बिंदास, करेक्ट। 5 मिनट पहले उसको टाई करना मत भूलना। अब जो नीचे डेसिमल है, नीचे का जो डेसिमल है उसको क्या करेंगे हम, जैसे बोला कि पावर में कन्वर्ट करो, 0.5 कैन बी रिटन एज 5 × 10⁻¹, नीचे माइनस वन है ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस वन, करेक्ट। प्लस वन होगा तो और एक जीरो जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा डिवाइडेड बाय 5, राइट। 5 से इसको डिवाइड करो, आंसर आएगा आपको 18000। भाई अब बारी आती है यूनिट की, रटेंगे क्या यूनिट, बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो दिया है यहाँ पे, डिफरेंस है एक, सेम क्वांटिटी ऐसी है जो एक है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दूसरी है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इसका और इसका यूनिट सेम ही होगा इसलिए तो सब्ट्रैक्शन कर पा रहे हैं हम, राइट, कॉमन सेंस है। तो जो फाइनल यूनिट है वही दोनों का यूनिट है तो इसका यूनिट क्या होगा, जो दिया है वही तो यूनिट होगा, बी स्मार्ट। ऐसे करके आपकी एक क्वांटिटी यहाँ पे आ चुकी है, करेक्ट। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स, डेढ़ मार्क मिल गया, 1.5। अब बाकी है सीपी, कैसे निकालोगे सीपी, ऑलरेडी रिलेशन है आपके पास, इसको इक्वेशन नंबर आप दे सकते हो ट्रैक रखने के लिए, राइट। इसमें सब्स्टिट्यूट करो, मल्टीप्लीकेशन करो, करने के बाद आंसर चेक करना है आपको और वो आएगा 2.7 × 10⁴ जूल पर केजी केल्विन, करके देखना है आपको। और फाइनली दो चीज़ें आपको पूछी है, फाइनल आंसर लिखते समय किसका रेफरेंस आप लोगे, टू फाइंड का। टू फाइंड में मुझे क्या पूछा था, अच्छा दो चीज़ें पूछी थी, तो आंसर में कितनी चीज़ें आनी चाहिए, दो चीज़ें आनी ही चाहिए अलोंग विद द यूनिट, हर जगह यूनिट को इस्तेमाल करना है, सिंपल, ओके। चलो आगे जाते हैं, चलो। एट व्हाट टेम्परेचर विल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट एनटीपी, ओके। यहाँ पे वैसे तो देखा जाए तो पूरे के पूरे क्वेश्चन में एक भी नंबर नहीं है, फिर भी ये न्यूमेरिकल है, अजीब बात है ना। तो उसको करना क्या है, हमें थोड़ा सोच समझ के जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले जो दी हुई चीज़ है वो हम लिख लेते हैं, क्या दिया है हमें, एट व्हाट टेम्परेचर, मतलब क्या क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्वियसली टेम्परेचर, करेक्ट। टेम्परेचर इक्वल्स क्वेश्चन मार्क, हो क्या रहा है, जो भी काइनेटिक एनर्जी आप उस टेम्परेचर पे निकाल रहे हो के ई एट टी, वो क्या है, एग्जैक्टली हाफ है कौन से टेम्परेचर पे, एनटीपी। एनटीपी का मतलब क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मतलब क्या, रूम टेम्परेचर, सिंपल, उसको हम डिनोट करते हैं जनरली टी नॉट से, ठीक है। ये रिलेशन मिल गया, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो टी मतलब क्या है, एनी टेम्परेचर, टी नॉट क्या है, रूम टेम्परेचर, ओके। बस इतना हो गया, आप टी नॉट की वैल्यू आपको दी नहीं है बट यहाँ पे लेनी पड़ेगी 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब होता है 300 केल्विन, कौन सा फैक्टर ऐड किया हमने, 273, ओके। टू फाइंड लिख लिया, फॉर्मूला में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, राइट, ऐसे लिखते हो ना, ऐसे लिखा होगा, करेक्ट। 3/2 KBT, KB मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट।
अब क्या करना है हमें, वो जो दिया हुआ इक्वेशन है उसमें वो चीज सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है, के ई एट टी, मतलब क्या होगा 3/2 के बी कॉन्स्टेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर कैपिटल टी है, यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे कौन है 3/2 के बी टी नॉट, राइट, कॉमन चीजें हैं उसको निकाल दो मल्टीप्लीकेशन में, 3/2 कट हो जाएगा, बोल्ट्जमैन कट हो जाएगा, तो जो कैपिटल टी है वो किस क्या इसे कैलकुलेट करेंगे हम, जो भी टी नॉट हमने लिया है उसका एग्जैक्टली क्या होगा हाफ, ओके, सो टी नॉट हमारा है 300/2, कितना आएगा आंसर 150 केल्विन, बात खत्म, ओके, सो इसका जो सॉल्यूशन है आंसर है वो हमारा होगा टी इक्वल्स 150 केल्विन, समझे। ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली बहुत पहले 19 के पैटर्न में आया करता था, इस प्रकार के क्वेश्चन जहाँ पे आपको प्योरली कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, बट आपका पैटर्न अभी चेंज हो चुका है तो वहाँ पे जनरली नंबर्स दिए जाते हैं, ठीक है, तो उन वाले न्यूमेरिकल्स के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। जैसे अब आगे वाला जो न्यूमेरिकल है वो आपने सॉल्व एग्जाम्पल्स अगर किए होंगे तो उसके प्रकार का एक न्यूमेरिकल आपको दिखेगा। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन पर यूनिट मास एट 300 केल्विन इज 2.5×10^6 जूल पर केजी, ये वैल्यू हमें दिया है। पूछा क्या है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg ऑक्सीजन एट 600 केल्विन। मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का दिया, ऑक्सीजन का दिया, अगेन रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। 13 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट, जो दिया है पहले वो आपको लिख लेना है। काइनेटिक एनर्जी नाइट्रोजन का है पर यूनिट मास, दिया पर यूनिट मास है लेकिन पूछा सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, समझे, तो थोड़ा गौर करिए उसके ऊपर, चीजें समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा 2-3 बार पढ़ो, ओके। तो सबसे पहले दिया क्या है हमें, जो मोलार मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, उसको जनरली हम कैपिटल एम से लिखते, क्या करते हैं, मोलार मास या मॉलिक्यूलर वेट जो होता है उसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं, और जो सिर्फ मास होता है सब्सटेंस का उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, ओके। तो दो है हमारे पास, एक है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, कैपिटल एन सिंबल होगा नाइट्रोजन का, वो दिया है 28, दूसरी क्वांटिटी हमें दी है ऑक्सीजन की विच इज 32, करेक्ट। व्हाट एल्स इज गिवन, टेम्परेचर्स दिया है टी एन इक्वल्स, नाइट्रोजन का टेम्परेचर है 300 केल्विन, ऑक्सीजन का टेम्परेचर है 600 केल्विन, राइट, और बाद में हमें जो मासेस दिए हैं स्मॉल एम से हम डिनोट करेंगे, नाइट्रोजन का मास है 1 kg, ढूंढो कहीं दिख रहा है क्या, 1 kg नहीं दिखेगा, क्योंकि ये समझना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन पर यूनिट मास, यूनिट मतलब क्या, 1, इसीलिए 1 kg, समझे, और जो ऑक्सीजन है उसका मास आपको दिया है 4 kg, बस खत्म हो गया सब कुछ लिख के। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बचा है, यस करेक्ट, सो काइनेटिक एनर्जी किसका दिया है हमें, नाइट्रोजन का दिया है, और वो है 2.5×10^6 जूल पर kg, करेक्ट। टू फाइंड में जाएंगे हम, टू फाइंड में हमें पूछा है काइनेटिक एनर्जी किसका, ऑक्सीजन का, ओके, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आप करोगे फॉर्मूला लिखोगे एज यूजुअल, काइनेटिक एनर्जी है गैसेस है तो क्या है? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, KTG, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, करेक्ट, सो उसका फॉर्मूला लिख लो पहले, KE=3/2 kBT, करेक्ट। लेकिन एक रिलेशन था, याद आ रहा होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट्स होते हैं, उसका जो रिलेशन था वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि गैसेस के साथ हम डील कर रहे हैं, राइट, तो गैसेस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन मास दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, तो नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो, तो क्या करो, के बी लेने से अच्छा है क्या लो एन आर लो इसके जगह पे, ठीक है, एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, आर मतलब क्या है आपका, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, ठीक है। किसका काइनेटिक एनर्जी निकालने जा रहे हो, ऑक्सीजन का, राइट, और अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो सॉल्यूशन में पहले करना क्या है, एन तो दिया नहीं है किसी भी चीज का, ना नाइट्रोजन का ना ऑक्सीजन का, तो 1/1 चीजें निकाल दो, जो नंबर ऑफ मोल्स हमें हमारे होते हैं वो कैसे हम निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, मास हम ले रहे हैं स्मॉल एम से, मॉलिक्यूलर वेट हम ले रहे हैं कैपिटल एम से, करेक्ट।
फिर जो फॉर्मूला है उसमें भी तो चेंज हो जाएगा ना। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि जो स्मॉल एन है उसके जगह पे आप ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते। देखो दो तरीके, एक तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करो फिर सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूला में, या फिर फॉर्मूला के अंदर ही नंबर ऑफ मोल के जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दो। दोनों तरीके सेम ही है, डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला है, बिफोर वी मेक इट स्पेशल फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जनरल फॉर्मूला को चेंज कर दो। 3/2 एज इट इज रहेगा, स्मॉल एन के जगह पे स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एन आर टी, करेक्ट? उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला तो ये हो गया अपना, नाइट्रोजन को पहला निकालेंगे। नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर नाइट्रोजन इक्वल्स 3/2 एम, किसका लोगे, नाइट्रोजन का, कैपिटल एम भी लोगे नाइट्रोजन का, आर टी, ठीक है? इतना हो गया। फिर ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम, सिर्फ एन के जगह पे आएगा ओ। बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है हमें किस चीज की, सब्स्टिट्यूशन की। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर नहीं दी होती, रेशो वगैरह लेके वो कट जा सकती है ना। आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर उसको कैलकुलेट करते बैठोगे, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट, राइट? तो उससे अच्छा क्या करो, रेशो लो, कॉमन चीजों को हटा दो, सिंपल, राइट? इसीलिए क्या करना है, जब भी कभी आपको डेटा कैसे आइडेंटिफाई करोगे, न्यूमेरिकल में अगर डेटा दो चीजों का दिया है, करेक्ट, तो वहां पे खास करके आपको सब्स्टिट्यूशन पहले नहीं करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर एक चीज दी है, दो चीज दी है, तीसरी निकालो, ऐसे अगर होगा तो सब्स्टिट्यूशन करके कैलकुलेशन करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आंसर कैसे मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो उसके बाद हम क्या करेंगे, चलो आगे सॉल्व करते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी मिल गया, अब हम करेंगे उसका रेशो वगैरह लेके चीजों को सॉल्व करेंगे, ओके? सो रेशो लेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी किसका दिया है, निकालना है ना, ऑक्सीजन का, करेक्ट? फॉर्मूला क्या है, 3/2 एम एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम एन आर टी डिवाइडेड बाय 3/2 एम ओ अपॉन एम ओ आर टी। देखो फायदा हो गया ना, 3/2 इधर कट गया, आर टी खत्म, इधर भी कट गया। सबसे नीचे जो होता है वो कहाँ आता है, सबसे ऊपर। सो एम एन अपॉन कैपिटल एम एन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम ओ स्मॉल एम एन। अब ये जो चीजें हमें दी है, जो गिवन में आपने लिखी है, तो वहां पे डायरेक्टली आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखो टी को हम कैंसिल नहीं कर सकते, राइट? क्यों ऐसा, क्योंकि टेम्परेचर दिए है ना अलग अलग, करेक्ट? टेम्परेचर दिए है, तो आपको क्या करना है, वहां पे बार बार गिवन टू फाइंड को देखना है, बार बार गिवन टू फाइंड को देखना है। उसके बाद आप क्या करो, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो। मास ऑफ नाइट्रोजन है 1 मल्टीप्लाई बाय इसका ऑक्सीजन का मास आएगा 32, टेम्परेचर नाइट्रोजन का आपको दिया गया है 300 डिवाइडेड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन है 28 इंटू जो छोटा एम है नाइट्रोजन का वो है 4, फिर इसका टेम्परेचर है 600, करेक्ट? फिर क्या है, 4 8 जा 32, करेक्ट? 2 2 0 कैंसिल हो गए, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, राइट? 4 7 जा 28, करेक्ट? तो जो भी आंसर आएगा हमारा वो क्या है, यहाँ पे 1/7 है, लेकिन वो 1/7 किस चीज का आंसर है, काइनेटिक एनर्जी नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, उसका रेशो है, राइट? देयरफॉर जो आया है वो पहले लिखो, काइनेटिक एनर्जी नाइट्रोजन काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन इक्वल्स 1/7, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन का हमें निकालना है, करेक्ट? ये इतने बड़े कैलकुलेशन करने के बाद भाई भले भले इंसान भी लॉस हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं मतलब उनका लिंक टूट जाता है, राइट? तो पहले देखा करो चीजों को। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, राइट? काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 0 इज जस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। नीचे 7 है, 7 टाइम्स किसका लोगे आप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन विच इज ऑलरेडी गिवन टू यू, राइट? सो डायरेक्टली करना क्या है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 7 टाइम्स क्या करोगे, 2.5 इंटू 10 to the power 6, करेक्ट? मल्टीप्लाई करोगे तो हमें आंसर मिलता है 17.5 इंटू 10 टू द पावर 6,
अब जो यूनिट लिखोगे वो किसके लिए किया, हमने ऑक्सीजन के लिए काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया, राइट। अब ऑक्सीजन कितना ग्राम दिया था, सॉरी किलोग्राम दिया था, 4 किलोग्राम, करेक्ट। सो 4 किलोग्राम है तो पर केजी नहीं है ना, 4 किलोग्राम के लिए इतना कैलकुलेट किया, तो जो यूनिट आएगा वो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, कोई भी दुनिया भर की एनर्जी ले लो, यूनिट ऐसा यूनिट होता है जूल। अब आप बोलोगे, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि न्यूमेरिकल में ही होता है यूनिट, वहाँ से उठाया करो, यहाँ पे यूनिट जो दिया है वो पर यूनिट मास है। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि कैलकुलेट करो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन पर यूनिट मास, तो पर यूनिट मास के लिए क्या करते आप, आए हुए आंसर को 4 से पहले डिवाइड करते और फिर आपका यूनिट आ जाता जूल पर केजी। ऐसा पूछा है क्या? नहीं ना, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, तो क्या आएगा, यूनिट जूल। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यूनिट बार बार चेक करो। जब भी अगर आपके पास 10-15 मिनट्स बचे हैं, एक्स्ट्रा 10 मिनट्स भी है, डिस्काउंट है, राइट, तो उसका इस्तेमाल करो, पेपर देके भाग मत जाना। सो इस प्रकार से हमने कवर किया चैप्टर नंबर 3, फिर आगे हम ऐसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं, ओके। तो इस स्पेशली इस वीडियो के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे, आगे वाले पार्ट आएंगे, देखना, ऐसे ही सॉल्व करते रहना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन और स्टार्ट स्टडिंग। अगर नहीं किया होगा तो अभी भी टाइम है आपके पास, एटलीस्ट रिवीजन, थोड़ा बहुत चीज़ें देख के जाओ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।